खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHICS MPPSC में। YouTube की श्रृंखला में हम लोग लेके आ रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स 2024 से संबंधित जो विभिन्न कोचिंग की टेस्ट सीरीज हैं, उन्हें हम यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहे हैं। और आज का जो पेपर है वह है VS एजुकेशन के द्वारा प्रायोजित किया गया पेपर है। इसके लिए हम VS एजुकेशन को धन्यवाद देना चाहेंगे। आज जो पेपर है वो FLT है और इसे आज हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार बताता चलूं कि हमारे द्वारा कुछ अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे यूनिट वाइज जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में, उन सभी टॉपिक्स पर लगभग 100 ऑनलाइनर फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो उन सभी टॉपिक्स के यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है, उनको भी आप देखकर लाभ ले सकते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीद होती है कुछ अच्छा करने की, तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों को बरकरार रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेज जो थे उन्होंने मंदसौर की जो संधि हुई थी वह किसके साथ की थी, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, मल्हार राव होलकर तृतीय के साथ अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि की थी। फिर बात आती है कब की थी, तो यह संधि कब की गई थी ये भी हमें यहाँ बताना है। तो संधि हुई थी 6 जनवरी 1818 में, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। मल्हार राव होलकर के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मल्हार राव होलकर जो तृतीय थे उन्होंने अपनी राजधानी जो थी, तो राजधानी पहले राजधानी क्या थी, महेश्वर थी, लेकिन जब ये आए तो इन्होंने राजधानी को कहाँ कर दिया था, इन्होंने राजधानी को इंदौर में स्थानांतरित कर दिया था। तो हमारा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? कंप्यूटर वायरस शब्द किसने गढ़ा था, तो इनका नाम है फ्रेड कोहेन के द्वारा जो है तो कंप्यूटर वायरस शब्द गढ़ा गया था। कब गढ़ा गया था, तो ये गढ़ा गया था 1983 में गढ़ा गया था। एक अकादमिक पेपर था उनका जिसका नाम था कंप्यूटर वायरस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल GI क्लाउड शुरू की है, जिसे क्या नाम दिया गया है? जो GI क्लाउड है उसका नाम क्या है, तो भारतीय GI क्लाउड का नाम मेघराज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसे आप यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि UDP का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? UDP का जो पूरा नाम है या फुल फॉर्म है वो क्या है, वह है यूजर डाटाग्राम प्रोग्राम। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यूजर डाटाग्राम प्रोग्राम जो है यह UDP का पूरा नाम है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम पर्वतारोही कौन है? तो आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या है, मेघा परमार जी जो है यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही है। किस जिले की है ये, तो ये सीहोर जिले से संबंध रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है? तो कर्क रेखा समानांतर जो रेखा है वो कौन सी है, 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा जो है वह कर्क रेखा के समानांतर है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कहता है कि किस राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण और पुनर्जनन हेतु लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था? किसके द्वारा लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया, किस एक्ट के द्वारा, तो उस एक्ट का नाम, उस नीति का नाम क्या था, उस नीति का नाम था राष्ट्रीय वन नीति 1988। विकल्प सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन JFM योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? अब आपको सबसे पहले तो JFM का फुल फॉर्म याद रखना है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है यह योजना थी, और इसकी शुरुआत कब की गई भारत में, तो भारत में इसकी शुरुआत कब की गई, इसे आप देखें तो 1980 में इसकी शुरुआत की गई है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना की, ठीक है, इसे आप ध्यान देंगे। अब यदि हम बात कर लेते हैं तो 1986 में क्या आया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था जिसे छाता अधिनियम कहते हैं। 1981 में बात करें तो यहाँ पे क्या आया था, तो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम आया था। और 1974 की बात करें तो जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, तो संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो संगाई या संगाई त्यौहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई क्या है, तो संगाई क्या है यहाँ पे हम देखते हैं, संगाई क्या है, संगाई हिरण है ना, संगाई क्या है, तो संगाई हिरण है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा, संगाई त्यौहार कहा गया है, और जो संगाई हिरण है वह क्या है, वह मणिपुर का राज्य पशु है, ठीक है, क्या है, मणिपुर का राज्य पशु, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? शरद जोशी से संबंधित रचना कौन सी नहीं है, तो आप यदि इसे देखेंगे तो परिक्रमा इनकी रचना है, तिलिस्म भी इनकी रचना है, दूसरी सतह भी इनकी रचना है, जबकि युग चरण इनकी रचना नहीं है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा,
अब आपको ये बताना है कि युग चरण जो है वह किसकी रचना है। तो युग चरण जो रचना है वो किसकी है, वो माखन लाल जी की रचना है, माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है युग चरण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है। तो इस सामुदायिक रेडियो का नाम वान्या है। तो सामुदायिक रेडियो जब भी आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि वान्या नाम है, वान्या रेडियो केंद्र। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 31 मई 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो जिले का नाम है श्योपुर। श्योपुर में एक जगह है सेसईपुरा, सेसईपुरा जो है वहां पे पहला वान्या सामुदायिक रेडियो केंद्र खोला गया था। अगला प्रश्न है पेगासस एक उदाहरण है, तो पेगासस किसका उदाहरण है, तो पेगासस यदि हम देखें तो स्पाईवेयर का उदाहरण है और ये कहां संबंधित है, ये इजराइल से संबंधित है, इजराइल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो यह कब प्रारंभ किया गया, आकांक्षी विकास खंड जो प्रोग्राम था ये कब प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया 2018 में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंतरजातीय सीमा विवाद, अंतरराज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में रहे दो राज्य कौन कौन से हैं। उन दो राज्यों का नाम क्या है, इनका दोनों राज्यों का नाम है मिजोरम और असम, मिजोरम और असम, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सूची एक और सूची दो का मिलान करना है हमें, खिलाड़ी और उनके खेलों को हमें यहाँ पे बताना है। तो चिंकी यादव क्या करती हैं, तो चिंकी यादव करती हैं शूटिंग, फिर मुस्कान किरार क्या करती हैं, तीरंदाजी। अब हम इन दोनों से मिलाते हैं, तो विकल्प ए का सेकंड देखिए, तो विकल्प बी में है और विकल्प सी में है, तो ए एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। फिर मुस्कान किरार तीरंदाजी मतलब चार, तो सी का चार देखिए, सी का चार केवल विकल्प सी में दिया है, तो विकल्प बी भी एलिमिनेट हो गया और विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो गया। अब शेष को हम देखते हैं, तो चिंकी यादव शूटिंग, अक्षत जोशी घुड़सवारी, मुस्कान किरार तीरंदाजी और खम्बन सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकार्थी कहा जाता है, आसान सा प्रश्न है, इसे आपको बताना है। ठीक है, आगे देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियान का प्रारंभ किया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन से अभियान का प्रारंभ किया है, ये आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो अभियान का नाम है उसका नाम है पंख, है ना, PANKH पंख। अब पंख में जो पी है उससे क्या है, पी से क्या होता है, पी से होता है प्रोटेक्शन, है ना, पी से होता है प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। फिर ए से क्या होता है, ए से होता है अवेयरनेस मतलब जागरूकता। एन से क्या होता है, एन से होता है न्यूट्रिशन मतलब पोषण। और के से होता है नॉलेज यानी जानकारी प्राप्त करना। और एच से क्या है, एच से है हेल्थ और हाइजीन मतलब स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सिंगोर किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंगोर का जो किला है वह कहाँ अवस्थित है, वह अवस्थित है दमोह में, दमोह में है सिंगोर किला। अच्छा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था पंख अभियान था ये कब प्रारंभ किया गया था, तो इसे भी आप देख लीजिए। 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, तो 24 जनवरी 2021 को इसे प्रारंभ किया गया था, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि जो जॉन मैकार्थी है ना, उन्होंने LISP लिस्प भाषा को जो है तो क्या किया था, उसका प्रतिपादन किया था, उसकी उन्होंने विकसित किया था लिस्प भाषा को, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि URL से क्या तात्पर्य है, URL जो होता है उससे क्या तात्पर्य है, उसका पूरा नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको बताना है यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म याद रखना है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों का वरिष्ठ से कनिष्ठ सही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में जो है सबसे पहले कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विकल्प ए यहाँ पे एलिमिनेट हुआ। फिर उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, तो फिर आए राज्य मंत्री, विकल्प बी एलिमिनेट हो गया। फिर आते हैं उपमंत्री, तो विकल्प सी भी एलिमिनेट हो गया, तो विकल्प डी हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री आते हैं, फिर राज्य मंत्री, फिर उसके नीचे उपमंत्री और फिर संसदीय सचिव का स्थान आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे, प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, उनका नाम क्या था, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जो थे वह विधानसभा के विपक्ष के पहले नेता थे। आगे देखें, अगला प्रश्न कहता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट से आने वाले डाटा को फिल्टर करता है, तो जो डाटा को फिल्टर करता है वो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे फायरवॉल बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि भाई जो इंटरनेट से डाटा आ रहा है उसे हम फिल्टर करेंगे और फिर हम उसे उस तक उस व्यक्ति किसी व्यक्ति को पहुंचने देंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फायरवॉल। ठीक है, और बेसिकली अनधिकृत जो पहुंच होती है उसको भी यह रोक देता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि माधी खेड़ा या माधी खेड़ा
जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी है? मांडीखेड़ा या मंडीखेड़ा जो बांध है वह कहाँ बना है, वह जल विद्युत परियोजना कहाँ बनी है? तो ये बनी है कहाँ पे? सिंध नदी पे। सिंध नदी, यही सिंध नदी, इसे काली नदी भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। काली सिंध नदी, काली सिंध कहाँ से निकलती है? तो ये बागली गांव से निकलती है, बागली गांव देवास से, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या कुछ चीजें आप जान सकते हैं, तो कहाँ पे है ये स्थिति? तो ये कहाँ है? यह शिवपुरी में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि MOOC किसका संक्षिप्त रूप है? MOOC जो है वह किसका संक्षिप्त रूप है, ये आपको बताना है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है MOOC का। और यह क्या है? तो यह एक निःशुल्क और मुक्त ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम है जिसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है और उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण की जाती है। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो ऐतिहासिक नगर जो ओरछा था उसकी स्थापना किसने की थी? तो रुद्र प्रताप के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1531 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस संवैधानिक पद पर थी? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, वो इस पद से प्राप्त करने से पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो झारखंड की पहले क्या थी? राज्यपाल थी। और वर्तमान वो भारत की 15वीं क्या है? राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान देंगे। और वह दूसरी, कहना चाहिए कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अनुसूचित जनजाति वर्ग से यदि देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के रूप में वो पहली महिला हैं जो इस पद तक पहुंची हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वेशभूषा रखने वाली जो उनकी सहेली थी उनका नाम था झलकारी बाई, ये आप ध्यान रखेंगे, झलकारी बाई उनका नाम था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात जो सबसे अधिक है किस राज्य में है? तो बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। कितना लिंगानुपात है? तो वहां पे 1021 लिंगानुपात है, आप ध्यान रखिएगा। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कहाँ पे है? तो मिनिमम कहाँ पे है? मिनिमम है भिंड में। कितना है? तो यहाँ पे शायद 837 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये ध्यान रखना कि जो चार जिले हैं MP में वहां पे लिंगानुपात 1000 से प्लस है। कौन कौन से चार जिले हैं ये आप बताएंगे? तो पहले तो हो गया बालाघाट, उसके बाद क्या आता है बालाघाट के बाद? अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद आता है मंडला, और मंडला के बाद आता है डिंडोरी, ठीक है। इसे आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी जो है यहाँ पे 1000 से प्लस संख्या लिंगानुपात है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में किस तिथि पर की थी? तो 2022 में किस तिथि पर की थी ये हमें यदि बताना हो तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही उत्तर होगा, 6 सितंबर 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसमें किया क्या जाएगा? तो जो ST के जो व्यक्ति हैं, ST वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें नए व्यवसाय के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है? ठीक है, तो C2B, B2B, C2C और B2C। ऐसा एक प्रश्न आया था MPSC में भी, जिसे बाद में MPSC ने डिलीट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे संस्थान के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो B2C है, ठीक है। B2C मतलब व्यापार से उपभोक्ता, यह जो है तो यहाँ पे इसे ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार के रूप में हम नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आसान सा प्रश्न है, मंदसौर में स्थित है, सिवना नदी के किनारे स्थित है, सिवना नदी के किनारे स्थित है मंदसौर शहर में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में क्या जानेंगे आप? तो मंदसौर में जो पशुपतिनाथ मंदिर है वह मध्य प्रदेश के मंदसौर में है ना, शिव भगवान शिव को समर्पित है, तो पता ही होगा आपको भगवान शिव को समर्पित है। फिर इसमें हाँ एक चीज आप ये ध्यान दीजिए कि इसे कुछ जो इसका पुराना नाम क्या था, तो उसका पुराना नाम था दसपुर, मंदसौर का पुराना नाम था, ये ध्यान रखिएगा। और जो शिवलिंग है वो कैसा है? शिवलिंग है अष्टमुखी शिवलिंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? मंदसौर में है, सिवना नदी किनारे स्थित है, अष्टमुखी शिवलिंग है, और मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है। अगला प्रश्न, चिड़ीखो पर्यटन स्थल कहाँ है? तो चिड़ीखो जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ है? और राजगढ़ में है चिड़ीखो पर्यटन स्थल, इसे ध्यान देंगे आप। और 1978 में जो है तो इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न के रूप में यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर तीन भागों गढ़ी मध्य व निचले नगर में विभक्त था? तो कौन सा वह था? तो क्या था? उसका नाम था धौलावीरा। धौलावीरा जो स्थल था वह उसका नगर गढ़ी मध्य व निचले नगर में विभक्त था, ये आपको ध्यान रखना है।
अब धौलावीरा जो है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है सफेद कुआं, सफेद कुआं है। उसके बाद एक फैक्ट आप देखिए कि 2021 में इसे क्या किया गया है, भारत का 40वां यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अब आपसे आपके लिए होमवर्क है कि धौलावीरा कहाँ है, या आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि धौलावीरा है कहाँ, इसकी खोज किसने की थी, ये भी बता देता हूं आपको। इसकी खोज की थी आर एस विस्ट ने, किसने की थी, आर एस विस्ट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में से कहाँ प्राप्त होता है। जनक याज्ञवल्क्य जो कथानक है वो कहाँ मिलता है, वो हमें यदि यहाँ पे देखना हो तो हम क्या बताएंगे, हमारा सही उत्तर क्या हो सकता है, वो सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद, विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा कि जनक याज्ञवल्क्य कथानक या बृहदारण्यक उपनिषद में पाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो महाजल प्लवन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, यह किस ग्रंथ में उपलब्ध है, तो यह किस ग्रंथ में, ये आपको बताना है। तो ये शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें यह उपलब्ध है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये यजुर्वेद जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद, यजुर्वेद का ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अच्छा शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक हैं याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ऋषि जो है जिसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे, तो जो पूषण देव थे, पूषण देव उनके रथ को बकरे खींचते थे, ऐसा वर्णन मिलता है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किसमें मिलता है, तो राजसूय से संबंधित जो यज्ञ है उनका अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, आप ध्यान रखिएगा। राजसूय क्या है, यज्ञ है, और यज्ञ के संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है, अजंता की गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है, ये तो पहला ही आपका फैक्ट हो गया। उसके बाद किस गुफा में है, गुफा संख्या 16 में जो है तो मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अंकित है, दृश्य अंकित है, ये आपको ध्यान देना है और ये आपको वहां पे बताना है। है कहाँ ये, तो अजंता गुफाएं कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के अंदर भी आप जाएं तो औरंगाबाद जिले में स्थित हैं ये अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क राजा थे, अपरार्क जो राजा थे वो किस वंश के थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 39 प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिलाहार राजवंश, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित भागों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ पे दिया गया है कि जगती, जगती मतलब जो क्या होता है, जो सबसे निचला, जो जगत बोलते हैं ना, जगत मतलब क्या होता है, और क्या कह सकते हैं, उसको नींव कह सकते हैं। ठीक है, अधिष्ठान होता है, आमलक होता है, और कलश होता है, कलश सबसे शीर्ष भाग है, ये आप ध्यान रखिए, और जगती जो है तो सबसे निचला भाग है। तो आप इन्हीं दोनों से टिक करने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है कि अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे तय करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है सबसे ऊपर क्या होगा, कलश होगा, मतलब विकल्प तीन देखिए, विकल्प तीन विकल्प सी में है और विकल्प बी में है, तो ए और डी तो कट गया। फिर देखें सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे पहले जगती होगा, जगती मतलब विकल्प एक, विकल्प यहाँ पे है ही नहीं, तो बी भी गलत, विकल्प सी हमारा सही होगा। तो जगती सबसे निचला हिस्सा, कलश सबसे ऊपरी हिस्सा। अब इसे हम मिलान करते हैं, यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कलश, कलश के बाद अमलक, अमलक के बाद आएगा अधिष्ठान, और अधिष्ठान के बाद क्या आएगा, जगती। ठीक है, ऐसे आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है, कलाकार और उनको प्राप्त उपाधियों से हमें यहाँ पे मिलान कराना है कि भाई कौन से जो कलाकार हैं उन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अबुद समंद से। अबुद समंद जो थे उन्हें क्या मिला, उन्हें सीरीन कलान कलम की उपाधि मिली थी, सीरीन कलम की उपाधि मिली थी, सीरी एक कलम भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अब्दुल जो समत थे उन्हें सीरी एक कलम की उपाधि मिली, मतलब विकल्प ए का तीसरा हो गया, विकल्प ए का तीसरा मतलब विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो गया। शेष को हम देखते हैं, तो अबू हसन जो थे, अबुल हसन, उन्हें नादिर उस जमा की उपाधि मिली थी, कश्मीर का जो के जो मोहम्मद हुसैन थे उन्हें जरी एक कलम की उपाधि मिली थी, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि मिली थी, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बल्ख के अरब खगोलविद अबू मसीर ने भारत में 10 वर्षों तक कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, तो 10 वर्षों की शिक्षा प्राप्त की थी अबू, किसने, अबू माशिर ने, तो ये कहाँ की थी ये यदि हम बताना चाहें तो बनारस, बनारस में अबू माशिर ने शिक्षा प्राप्त की थी, कितने वर्षों तक, 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर आरंभ हुआ, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नौसेना विद्रोह जो है कब हुआ, 1946 में हुआ, इसे रॉयल विद्रोह भी कहा गया है,
और ये किस पोत में हुआ, तो ये हुआ था HMIS तलवार, विकल्प बी हमारा इसका सही उत्तर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी थी, तो आसान सा प्रश्न है, संस्कार राजधानी किसे कहा गया है, तो जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा गया है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जबलपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिसे न्यायिक राजधानी भी बोलते हैं, न्यायिक राजधानी, उसके बाद संस्कार राजधानी तो होगी। भोपाल क्या है, तो भोपाल है प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी हो गई। इंदौर क्या है, तो इंदौर है व्यावसायिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी, उसके साथ साथ क्या है, तो खेल राजधानी है उसके साथ साथ, ठीक है, आर्थिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी। फिर और हम देखें तो कुछ और शहर जैसे मैहर है जो कि अब जिला बन गया है, तो ये संगीत राजधानी है। पचमढ़ी की बात करें यदि हम, तो पचमढ़ी क्या है, पचमढ़ी है ग्रीष्मकालीन राजधानी। एक और आप फैक्ट याद करिए कि जो सिंगरौली है उसे क्या कहते हैं, तो सिंगरौली को कौन सी राजधानी बोलते हैं, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है, तो पेंच नदी जो है वहां पे कौन सी, किस नदी में समाहित होती है, इसे आपको बताना है। तो पेंच नदी जो है तो गोदावरी नदी में समाहित होती है, आप ध्यान रखिएगा। अब पेंच नदी निकलती कहाँ से, तो पेंच नदी निकलती है कहाँ से, जुन्नारदेव से। अब आप कहेंगे भैया जुन्नारदेव कहाँ है, जुन्नारदेव कहाँ है, ये है छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में जुन्नारदेव है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, तो मानसून में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है। तो उत्तर पश्चिम में जो है तो सबसे कम वर्षा होती है मानसून के दौरान। अगला प्रश्न है, किस जिले में अचानकमार या अचानकमार अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो अचानकमार जो अभयारण्य है ये कहाँ है, अनूपपुर में अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहते हैं, तो अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जमगोदरानी पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, जमगोदरानी ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ है, जमगोदरानी पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ है, यह है देवास में, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कहना चाहिए कि लगभग 2.5 मीटर पर सेकंड से लेकर 25 मीटर पर सेकंड की वायु की आदर्श गति प्राप्त होती है, जो कि देवास के जमगोदरानी में भी मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, हिमालय से प्रारंभ करते हुए जलोढ़ मैदानों की और निम्नलिखित पट्टियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण, जैसे ये यदि हिमालय की शिवालिक की बात करें, शिवालिक के नीचे ये चार जो स्तर होते हैं कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं बताता चलूँगा आपको, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है भावर, भावर के बाद होता है तराई, तराई के बाद होता है क्या, बांगर, और बांगर के बाद क्या होता है, बांगर के बाद होता है खादर, ठीक है। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले भावर होता है जहाँ पर नदियाँ आके विलुप्त हो जाती हैं, फिर उसके बाद तराई होता है जहाँ पर नदियाँ पुनः धरती पर आती हैं, फिर बांगर होता है जो कि उपजाऊ क्षेत्र होता है लेकिन खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है, क्योंकि खादर को जो है तो हर वर्ष नई मिट्टी प्राप्त होती है बाढ़ के मैदान की, जबकि बांगर को हर वर्ष मिट्टी प्राप्त नहीं होती। तो आपको 1, 3, 2, 4 याद करना है, 1, 3, 2, 4 विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। और अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उनके संगम बिंदुओं के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है हमें गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उन्हें, तो इसका यदि हम देखें तो हम एक तरफ से मिलाते हुए चलते हैं, तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है, सबसे पहले गंडक नदी आती है, गंडक के बाद आती है घाघरा नदी, घाघरा के बाद आती है गोमती नदी, और गोमती नदी के बाद आती है यमुना नदी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 यहाँ पे हो जाएगा, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आरावली के बारे में। सबसे पहले कि यह भारत की सबसे प्राचीन ब्लॉक पर्वत है, बिल्कुल गलत हो गया, तो ब्लॉक पर्वत ये नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्लॉक पर्वत जो है तो आरावली पर्वत श्रृंखला नवीन प्राचीन वलित पर्वत है, ना कि प्राचीन ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि आरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में है, बिल्कुल सही। सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो विकल्प 2 और 3 सही हो जाएंगे हमारे, ठीक है। इस तरीके से हमने 52 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे कुछ अन्य जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। चलिए अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जयजयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।